डॉक्टर धीरज, पहली प्रतिक्रिया कुमार कुंदन को देखकर मन में क्या आ रहा है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि इन्होंने वॉलंटियर किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखिए साइंस को डेवलपमेंट के लिए आपके जैसे करेजियस लोगों को सामने आना पड़ता है, क्योंकि एनिमल मॉडल हमने कर लिया, उसके बाद हमें वॉलंटियर्स न्यूयॉर्क में भी चाहिए थे। पूरे विश्व में लोगों ने बढ़ चढ़ के आगे योगदान दिया है, खासतौर पे युवा जनरेशन ने। सो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी। ठीक है, मैं डॉक्टर राहुल पंडित के पास भी जाऊंगा। डॉक्टर राहुल, आपको भी कुछ कहना है कुमार को देखकर? कुमार जी ने जो विश्वास दिखाया इस सिस्टम में कि नहीं, मैं जाके इस सिस्टम को पूरी तरह से मैं उस पर विश्वास रखता हूँ और ये जाके वैक्सीन के ट्रायल में मैं खुद को वॉलंटियर करूँगा, इससे और कोई बड़ा धैर्य का काम नहीं हो सकता है। क्योंकि उस वक्त तो कोरोना, जब इन्होंने वॉलंटियर किया था सितंबर महीने में, तब तो कोरोना से बहुत लोग डरे हुए थे। तो ये मैं इनका बहुत आदर करता हूँ और इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनके जैसे वॉलंटियर्स की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं कि दो वैक्सीन जो है हमारे पास आज पास हुई है DCGI की तरफ से। अगर वॉलंटियर्स नहीं होते थे, अगर हम ये स्टडीज नहीं कर पाते थे, तो ये वैक्सीन आज नहीं देख पाते थे। इसलिए वॉलंटियर्स का बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा उनको। देखिए, और ये केवल कुमार कुंदन की बात नहीं है, हमें उन सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर, क्योंकि नहीं मालूम था कि कोरोना की वैक्सीन जो बन रही है वो इतनी जल्दीबाजी में जो बन रही है उसका क्या इफेक्ट होगा, लेकिन उन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए अपने आप को आगे किया और योगदान दिया और आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत को दो वैक्सीन मिल चुकी हैं। कुमार, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट हो सकता है, सर्दी तो नहीं, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, बात तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई। आपका क्या अनुभव रहा पहली डोज लेने के बाद या दूसरी डोज लेने के बाद, कोई सिम्टम, कोई दिक्कत तबीयत में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जिस वक्त हमारा वॉलंटियर हो रहा था उसके पहले एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ा था। एम्स में 3 दिनों पहले तक मेरा ब्लड चेकअप हुआ, BP चेकअप हुआ और भी तमाम तरह के चेकअप हुए। जब देखा गया कि शारीरिक रूप से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तब जाके मुझे वैक्सीन दिया गया। और वैक्सीन देने के बाद बकायदा मेरे पास एम्स से हर 4th या 5th घंटे फ़ोन आता था, मैसेजेस आते थे कि आपके बॉडी में किसी तरह का कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं शुरुआती समय में ही अपने आप को वॉलंटियर किया था। तो मुझे यकीन मानिए बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई, ना मुझे हेडेक हुआ, ना मुझे फीवर आया, ना मुझे बॉडी एक आया, ना मुझे फटीक हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब और आप इस दौरान काम भी करते रहे? मैं बिल्कुल किसी भी एक भी, अगर मेरा आप लीव अटेंडेंस देख ले TV9 भारतवर्ष का, तो मैं छुट्टी पे भी नहीं था। तो मैं बता सकता हूँ दावे के साथ कि बिल्कुल भी सुरक्षित और सेफ है। जो डॉक्टर्स थे एम्स के, डॉक्टर मैं संजय राय का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, जो कि पूरा सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने मेरे से पूछा भी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है? मैंने कहा कि नहीं। फिर और भी कई सारे लोगों का हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी में थोड़ा कुछ हो भी रहा है तो शायद साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में एक डर तो था ही कि पहली बार वैक्सीन लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितने दिन मैं रहा, मतलब फर्स्ट डोज से लेकर सेकेंड डोज आते आते तक, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कभी कोई बॉडी एक नहीं हुआ, मैं बड़े आराम से, मैं आपको जान के हैरानी होगी, जिस दिन मैं वैक्सीन लेने गया था, वैक्सीन लेने के बाद भी मैं काम पे ही था। वैक्सीन लेने के बाद 2 घंटे तक मुझे एम्स में रोका गया था कि आप 2 घंटे रुक जाइए, और 2 घंटे के बाद भी फिर मैं काम पे एकदम बहुत ही आराम से वापस आया, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और उसके दूसरे दिन, और बकायदा एक चार्ट पेपर हमें दिया गया था एम्स की तरफ से कि हर घंटे का आप अपना बॉडी टेम्परेचर, आप अपना अगर BP संभव हो तो, और अगर कोई एलर्जी हो रही है तो उसको नोट करेंगे। लेकिन वो चार्ट पेपर अभी का अभी पूरी तरीके से खाली है मेरा, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी। डॉक्टर धीरज कॉल, इस पर आपका एक कमेंट, आपको क्या कहना है? जो बात यहाँ पर कुमार कुंदन कह रहे हैं, ये बात केवल एक कुमार कुंदन की या TV9 रिपोर्टर की नहीं है, मुझे लगता है ये उन सभी अफवाहबाजों को सबसे बड़ा जवाब है जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर तरह तरह के मिथक गढ़ रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं एक मिनट लेके समझाना चाहूंगा कि मिस इन्फॉर्मेशन से बहुत खतरा हो सकता है, खासतौर पर ऐसी जगह जहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन लिमिटेड है, अवेयरनेस की कमी है। इसीलिए बचना चाहिए, साइंटिफिक डाटा को यूज करते हुए बताना चाहिए। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं TV9 पे और अदर मीडिया चैनल में। पहली बात, AstraZeneca की जो वैक्सीन है बहुत सेफ है, उसमें कोई एनिमल प्रोटीन नहीं है, कोई सुअर की चर्बी नहीं है, कोई इम्पोटेंसी का रिस्क नहीं है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स जो हम वैक्सीन में देख रहे हैं, AstraZeneca, फाइजर और आपके भारत बायोटेक की भी जो अब डाटा आ रहा है और मॉडर्ना, इसके अंदर मसल एक जो बहुत कॉमन है किसी भी वायरल, आप जब भी वैक्सीन देते हैं जो साइट ऑफ थोड़ी सोरनेस हो सकती है, थोड़ा सा हल्का सा फीवर पहले 1-2 दिन हो सकता है, थोड़ा जॉइंट पेन हो सकता है, हल्का सा आपको बॉडी के अंदर एक्स आ सकते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। और उसके सेकेंड लेवल पे हेडेक आता है, जो
24 to 48 hours में 95%। तो ये भी नहीं आया सर, कुमार को तो ये भी नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं कि आना ही है, हो सकता है कि वो भी ना आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या तो बिल्कुल नहीं आता या बहुत कम आता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।